आइए सबसे पहले हालो चेक हालो हेलो ये मेन माइक देख रहे हैं हेलो चेक हेलो क्या बात है बहुत बढ़िया एक बार सभी लोग बड़े प्रेम के साथ जयघोष करेंगे बोलिए बागेश्वर धाम की जय मंच पर विराजमान प्रमोदनी सम्मानी मेरे गुरुदेव श्री दीक्षित जी आपके चरणों में आपका यह सेवक हृदय से प्रणाम करता है। बाराबंकी से पधारे परम पूज्य दादा श्री राजकमल खुरपैती जी आप भी मेरे गुरुतुल्य हैं आपके चरणों में भी हृदय से प्रणाम करता हूं। बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष परमादरणीय सम्माननीय मेरे गुरुतुल्य मेरे बड़े भाई सम्माननीय श्री देवेंद्र तिवारी जी आपके भी श्री चरणों में मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। मेरी बड़ी बहन सम्माननीय कुमारी श्री नीलम विश्वकर्मा जी आपके चरणों में आपका छोटा भाई हृदय से प्रणाम करता है। बाराबंकी से चलकर पधारी मेरी बहन सम्माननीय श्रीमती ज्योति कमल जी मैं आपके भी चरणों में हृदय से प्रणाम करता हूं। कीर्तन पंडाल में पधारे सभी कीर्तन कलाकारों एवं सभी विद्युत श्रोताओं के चरणों में हृदय से प्रणाम करता हूं। मैं अपनी ओर से एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं क्योंकि एक गीत का मुझे मौका मिला है और यदि इस गीत के माध्यम से मुझसे कोई त्रुटियां हो तो आप सभी लोग मुझे क्षमा करेंगे क्योंकि मैं कोई कलाकार नहीं हूं। बस ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है यदि मेरी लाइनें आपको पसंद आए तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा। बिल्कुल साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहना कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। कहना है कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है और लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। कहना है कि इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है और लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है क्योंकि लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने के लिए। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने के लिए। एक सच्ची आस्था ही पत्थर को भगवान बना देती है। बंबई वालों की ओर से एक बहुत सुंदर सी धुन आई है सुनिए आप लोग गाया क्या अरे दुआ बद्दुआ दे Yeah, yeah, yeah.
दीपावली गा रहे हैं, लेकिन कह रहा हूं एक बार रावण के दरबार में एक चर्चा हो रही थी। सेना नायक ने बताया कि महाराज आपने दसों दिशाओं में विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन अभी एक राज्य बकाया है। महाराज रावण ने कहा ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर मैंने विजय प्राप्त नहीं कर पाई? तो सेना नायक ने बताया महाराज अयोध्या एक ऐसा राज्य है जहां पर आपने अपनी विजय प्राप्त नहीं कर पाई है। वहां के राजा के बारे में पूछा तो सेना नायक ने बताया कि महाराज वहां के महाराज रघु हैं। जब ये बात कही तो महाराज रावण अयोध्या पहुंच जाता है, क्योंकि उन्हें जब ये बताया कि महाराज रघु पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं है, पहले उनकी शक्ति को नाप लिया जाए। तो रावण एक साधु का वेश बनाकर अयोध्या पहुंच गया, और जब पहुंच गया तो परीक्षण कैसे कर रहा है महाराज रघु की शक्ति का। तिलक चल पारी चल करें भाई साहब, क्योंकि मैं कोई कलाकार नहीं हूं और मेन चीज ये है मुझे हारमोनियम नहीं बनती है। महाराज रघु की शक्ति का परीक्षण कर रहा है रावण। देखा कि एक सिंह एक गाय का पीछा कर रहा है उसका शिकार बनाने के लिए। तो महाराज रघु उस समय संध्या के लिए चटाई पर बैठे ही थे, तो उन्होंने वहां चटाई से एक तिनका निकाला और हुआ क्या, और तिनका समझे तिनका लिया। तो वहां तिनका वो तिनका भी अरे तिनका वो तिनका भी एक पान बन गया, अरे तिनका वो तिनका भी एक पान बन गया। और बन कैसा बन, वो भी वज्र से महान बन गया, क्योंकि उसी तिनके पर महाराज रावण ने अपना शक्तिशाली बाण छोड़ा, लेकिन तिनका नहीं कटा। इसीलिए कह रहा क्या बड़े कठिन काय भी पहली बात तिनका भी एक बांध बन गया, और बांध वो भी वज्र से महान बन गया। आइए आप लोग दूसरा प्रसंग सुने। एक बार मुनि दरभंग जी चित्रकूट में तपस्या कर रहे थे। ये प्रसंग अभी आप लोग हमारी बहन जी के द्वारा सुन चुके हैं। मुनि दरभंग चित्रकूट में तपस्या कर रहे थे। महाराज इंद्र के गुप्तचरों ने महाराज इंद्र से कहा कि महाराज चित्र
चित्रकूट में मुनि सुरभंग बहुत घनघोर तपस्या कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो ब्रह्मा जी से बदले में आपका सिंहासन मांग लें। जब ये बात कही तो इंद्रदेव ने कामदेव को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ तुम्हें मुनि सुरभंग की तपस्या भंग करनी है। अब देखे कामदेव जी मन में अहंकार लिए नाम क्यों भगवान भोलेनाथ की तपस्या भंग कर दी। नाम क्यों न होता सर्वंग हो, और वहां चित्रकूट में पहुंचने के बाद रतिपति के भी जिन पर सर्वंग हो। और वहां पहुंचने के बाद कामदेव जी सरभंग के ऊपर अपने काम बाल छोड़ने लगे रतिपति के भी जिन पर सरभंग हो। तो वहां भी मुनि सरभंग ने उसी स्थान से एक तिनका उठा लिया। अरे तिनका वो तिनका भी, अरे तिनका वो तिनका भी एक बाण बन गया। बानों पे भूपानों के समान बन गया, बन वो भी वज्र से महान बन गया। कठिन कार्य भी हो कठिन कार्य भी आसान बन गया। यहां भी तिनका वो तिनका भी एक बाण बन गया और बाण वो भी वज्र से महान बन गया। आइए तीसरा प्रश्न सुने आप लोग। श्री राम जी सीता जी के सहित फटक शिला पर विश्राम कर रहे थे, जैन तो वहां पहुंच जाते हैं और उन्होंने जब देखा कि श्री राम जी सरकार अपने हाथों से अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि ये ब्रह्म नहीं हो सकते। जयंत ने माता सीता के चरणों में चोंच कर प्रहार कर दिया और जब प्रहार कर दिया तो हुआ क्या झबड़े सहित फटक शिला पर विश्राम कर रहे थे उसी समय सरकार ने उसी स्थान से एक इनका उठाया। अरे तिनका वो तिनका भी, अरे तिनका वो तिनका भी एक बाण बन गया। अब देखिए वो तिनका बाण तो बन गया लेकिन कमान कौन है? कमान अरे काशीनाथ तिनका ही कमान बन गया। देखो वही तिनका बाण बन रहा है और वही तिनका
कमान भी बन रहा है, अब उसी कमान से वो दिन का चल रहा है। अरे दिन का वो दिन का भी कमान बन गया, काशीनाथ दिन का ही कमान बन गया। कौन वो भी वज्र से महान बन गया, क्योंकि जयंत सभी देवताओं के पास गया लेकिन उस शिव के बाण से किसी ने रक्षा नहीं कर पाई। इसलिए कहना कठिन कार्य भी मेरे लिए अनगिनत मुद्रा को बहुमूल आशीर्वाद परमादरणीय परम सिद्ध मेरे गुरुवर श्री देवेंद्र तिवारी जी बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष हैं। आप मुझे अपना शिष्य माने या ना माने, इस मंच के माध्यम से आज एक घोषणा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सुना है अभी अभी अपने परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा कि मेरे वाले भैया कोई राइटर भी नहीं है, लेकिन जिन्होंने अपना जीवन पूरी इस कीर्तन में लगा दिया है, अपना सर्वस्व कीर्तन में लगा दिया है, तो मैं ऐसे महान पुरुष को अपना गुरु तो बना ही सकता हूँ। और मैं इस मंच से ये मतलब एक प्रण लेता हूँ कि आप मुझे स्वीकारें ना स्वीकारें, मैं तो ये मान लूंगा कि आप गुरु द्रोणाचार्य हैं, मैं एकलव्य तो नहीं बन सकता, लेकिन यदि आप मुझे स्वीकारेंगे तो ये आपकी महानता होगी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। वीरेंद्र जी आप कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष हैं, श्री देवेंद्र तिवारी जी, तो अध्यक्ष का काम वैसे भी दिशा निर्देशन करना है, तो आप गुरु के रूप में अध्यक्ष के रूप में किसी भी पत्थर को भी लोग भगवान मान लेते हैं, आप मानते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, और वो बहुत बहुत धन्यवाद है। कठिन कार्य आसान बन गया, साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि ऐसा परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा आदेश मिला है कि प्रत्येक कलाकार अपना एक गीत रखेगा, और इस गीत के माध्यम से यदि कोई मुझसे त्रुटियां हुई हो तो क्षमा करेंगे आप लोग, धन्यवाद है।